देख रहे हैं सिटी मैम न्यूज। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ देश और स्थानीय जनपद सहारनपुर की कोरोना अपडेट के साथ। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 18,855 नए मामले। महाराष्ट्र में 28 फरवरी तक लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र ने 28 फरवरी तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि अभी तक मिल रही छूट आगे भी जारी रहेगी, जैसे कि लोग ऑफिस जा सकेंगे, सभी बाजार और इंडस्ट्री खुली रहेगी। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार लोगों के भीड़ जुटाने पर पाबंदी रहेगी। अब बात करते हैं देश के आंकड़ों की। देश में पिछले 24 घंटे में 18,855 नए दैनिक मामले सामने आए। हालांकि ये मामले चिंता बढ़ाने वाले नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीते 10 महीनों में 6,000 मरीजों की फाइलें गुम हो गई थी। दो दिन पहले इन फाइलों के मिलने की खबर सामने आई है। इसके अलावा 24 घंटे में 20,746 मरीज कोरोना वायरस की चपेट में बाहर आए और उन्हें डिस्चार्ज किया गया। वहीं 163 मरीजों की मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन ताजा आंकड़ों की जानकारी दी। देश में इस समय कुल 1,07,20,048 मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। हालांकि स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या संक्रमित मरीजों से ज्यादा आ रही है, जिस वजह से कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या कम हो रही है। मौजूदा समय में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1,71,686 है। अब तक देश में 2,09,28,053 लोगों को कोरोना का टीका भी लग चुका है। अब बात करते हैं जनपद सहारनपुर की। तो आपको बता दें, जिले में कोरोना के सैकड़े केस लगातार अब घटने लगे हैं। आज शुक्रवार को कोरोना के मात्र 5 नए पॉजिटिव मिले, जबकि 6 संक्रमितों की रिपोर्ट निगेटिव आई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बी एस सोनी ने बताया कि कोरोना के एक्टिव केसों में पिछले एक माह में सहारनपुर में अच्छा अस्पताल, सस्ता इलाज, उच्च स्तरीय डॉक्टर के मार्गदर्शन में उच्च स्तरीय इलाज, उत्कृष्ट संसाधनों से लैस हाई क्वालिफाइड सर्जन अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, फार्मेसी, पैथोलॉजी, मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, सुपर डिलक्स एसी रूम अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन एक ही छत के नीचे, वीब्रोज हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, रेजेंसी गार्डन के सामने, सहारनपुर। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8791836339।